और दोस्तों इस वीडियो को कमेंट करके बताना कि कैसा लगा, फनी लगा कि नॉलेजेबल लगा या आप सही गाइडेंस मिली। बट दोस्तों मैंने पहले बोला था मैं किसी भी के अगेंस्ट नहीं बोल रहा हूँ, ये सिर्फ एक मेरा तर्क है, ये हमारे इंस्टीट्यूट का प्रोटोकॉल है जो हम बता रहे हैं, क्योंकि हमारे को यहाँ बहुत मैसेज आते हैं हम परेशान हो गए हम ऑनलाइन क्यों नहीं, क्योंकि इस तरह पे मुझे वीडियो बनाना पड़ा कि भैया हम क्यों नहीं पढ़ा सकते ऑनलाइन में क्या बग्स हैं। तो इसका रीज़न ये है, हमें ऑनलाइन के लिए मैसेज मत करो, ये शुरू की लाइन है वीडियो में भी आ रही होगी, हमें ऑनलाइन के लिए मैसेज मत करो, हम ऑनलाइन नहीं पढ़ाते, हम ठगने का काम नहीं करते। सो हमें ऑनलाइन के लिए मैसेज मत करो, हम ऑफलाइन पढ़ाते हैं। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि मैसेज क्यों ना करो तो इस वीडियो को पूरा फिर से शुरू से देखिए। रीजन तो आपके सामने एक जादूगर जैसे या एक मदारी जैसे दो मिनट में आपके सामने आईसी निकाले खटखट ये लो चालू हो गया, लो लाओ 500। तो वो टेक्नीशियन है दोस्तों, वो टीचर जो आपसे करवाए वो टीचर है प्लस टेक्नीशियन है। अपने घर के पीछे चले जाओ, आप दिल्ली में चले जाओ, आप जहाँ जाना वहाँ चले जाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी बात है। ऐसा तो है नहीं कि हिंदुस्तान में से भी कमी है, अब भगवान भी इतने सारे हैं तो हम भी कैसे एक हो सकते हैं यार, बहुत सारे लोग हैं, आप जाइए उनके पास, बिल्कुल जा सकते हैं। बट ऑनलाइन मत सीखिए, ना ही ऑनलाइन के लिए किसी को मैसेज करो। आप ये हार्डवेयर है दोस्तों, हार्डवेयर रिफर टू हार्ड वर्क। जब तक आप खुद से नहीं करोगे, किसी टीचर के बगल में खड़े होकर नहीं करोगे, तब तक नहीं हो रहा। और ऐसे इंस्टीट्यूट में जहाँ आपके टीचर आप कर रहे हो, मान लो आप चले गए, आप कर रहे हो, टीचर बगल में खड़े नहीं है, वो बाहर सिगरेट पी रहा है, वो एक घंटे चला गया अपनी चाची मामी को देखने, या वो किसी तीसरे काम में लगा हुआ है, वो अपने खुद के फ़ोन बना रहा है, तो काय का टीचर, ऐसे इंस्टीट्यूट से भी बचना। टेक्नीशियन नहीं बता रहा, ये टेक्नीशियन प्लस टीचर आपको बता रहा है, जो कि मैंने हज़ारों दुकान वाले अपने सामने देखे हैं, हज़ारों टीचर अपने सामने देखे हैं, बहुत सारे टीचर बनाए हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं जानता हूँ, इसलिए ये जो अनुभव मैं आपको दे रहा हूँ ये कोई व्यू पाने के लिए या दोस्तों मैं गरीब बन के या दोस्तों मुझे सब्सक्राइब करो ऐसा आपका बेचारा भाई बन के नहीं दे रहा। एक अनुभवी आदमी, एक अनुभवी प्रोफेशनल, एक अनुभवी इस प्रोफेशनल फील्ड में एक्सपीरियंस होने के बाद आपको दे रहा हूँ एक सही राय। हमारे स्टूडेंट ऑनलाइन में जिनको कमियां आ रही हैं, जिनको सीख नहीं पा रहे, वो आप हमारे यहाँ ऑफलाइन आ जाइए। अभी आपने इतनी फीस भरी थी, इतनी अब आप इतनी फीस भर दीजिए, अब दोनों फीस मिलाकर उनकी हो गई इतनी फीस। तो जब सीखना ही था तो ऑफलाइन ही चले जाओ ना, उधर ही चले जाओ। मैं बोलता हूँ जिधर भी जाना है उधर जाओ, बोलो नहीं सर हेलो मुझे मोबाइल रिपेयरिंग सीखने पर सर ऑफलाइन। कोई इंडिया में हर तीसरे में से एक हर एक बच्चा घर में अपने बिस्तर के ऊपर चड्डी बनियान पहन के बैठकर एक ऐसा कोर्स सीखने की सोच रहा है जिससे वो बहुत पैसे कमा ले, जिससे वो अपने मार्केट में नाम चमका ले और डेली दिन का 5,000 भी निकाल सकता है, 2,000 भी, 1,000 भी, 500 भी या 10,000 भी या उससे भी ज़्यादा। यार क्या सोच है, मेरे को नहीं लगता अभी तक कोई यूट्यूब में नहीं बताया होगा। क्या नाम है आपका? संतोष। अभी आप क्या करने वाले हैं? तो सीखो निकल रहा हूँ। कौन सा फोन है ये? MI Y1 है जी। तो अभी आप इसका CPU निकालने वाले हैं। हाँ दोस्तों, मेरा नाम है देवेंद्र अग्रवाल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे और आपके घर में आपके परिवार वाले भी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छा पैसा कमा रहे होंगे, नहीं कमा रहे तो अभी भी हमारा कोर्स ज्वाइन करो, इस फील्ड में उतरो यार, इस फील्ड में काफ़ी पैसा है। बट मैं फिर भी कहता हूँ पैसा सोचने से नहीं आता, पैसा स्किल से आता है। अच्छी स्किल लेने के बाद भी मेहनत करनी पड़ेगी और जितना मेहनत करोगे उतना ही पैसा आएगा। तो मेहनत करने वालों के लिए ही है ये इसकी फील्ड, अगर आप मेहनत नहीं कर सकते तो फील्ड में बिल्कुल मत आना, ये फील्ड आपके लिए नहीं है। सबसे पहले आपका इंटरेस्ट लेवल होना चाहिए। चलो टॉपिक पे बात करते हैं, ये टॉपिक है ऑफलाइन वर्सेस ऑनलाइन। तो चलो टॉपिक पे बात करते हैं, ये टॉपिक है ऑफलाइन वर्सेस ऑनलाइन। तो मुझे क्यों ये इस पर वीडियो बनाना पड़ा दोस्तों, मुझे इस पर वीडियो इसलिए बनाना पड़ा, देखिए मेरा किसी भी एक ऐसे इंस्टीट्यूशन से कोई मुझे दिक्कत नहीं है जो ऑनलाइन पढ़ाते हैं, या बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जो इंडिया में, इंडिया के बाहर जो ऑनलाइन पढ़ाते हैं, बट मुझे उनसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। पर प्रॉब्लम ये है कि हमारे को बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं, सर ये ऑनलाइन पढ़ा दोगे, सर ये ऑनलाइन पढ़ा दोगे, सर ऑनलाइन। सो हम फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, हम बिल्कुल, हमें ना ऐसा लगता है कि यार क्या है, हम बार बार कहते हैं, हम हर वीडियो में कहते हैं, हम हर जगह मैसेज करते हैं, हमारे यहाँ मैसेज में भी रिप्लाई में, ऑटो रिप्लाई में भी ये आता है कि हम ऑफलाइन पढ़ाते हैं,
पढ़ाते हैं, ऑनलाइन ऑनलाइन नहीं पढ़ाते, फिर भी लोग बोलते हैं कभी भी एक मैसेज हो सकता है कि बोलो सर मुझे ऑनलाइन पढ़ा दो घर बैठे। हर कता इस फील्ड में आपको कोई नॉलेज है या मुझे लगता है कि सिर्फ और सिर्फ दूसरे को देख के इस फील्ड में उतर रहे हो तो भाई हाथ जोड़ रहा हूँ, अपना कैरियर अपने पैसे बर्बाद मत करो, नहीं तो एक लाइन नीचे लिखते फिरोगे इसने मुझे ठगा इसने मुझे ठगा, सारे इंस्टीट्यूट वाले ठगते हैं, हर कोई चोर है, ये रोते रहोगे, पार्ट ऑफ द जोक। ऐसा मत करो, ऐसा रोने की जरूरत नहीं है। दोस्तों ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो दुकानों पे जो नहीं कहते कि मत जाओ मत जाओ मत पढ़ो, दुकान वालों रहते हैं बार बार कि दुकान वालों से मत पढ़ो मत पढ़ो मत पढ़ो, या वो भी है ना पूरा ज्ञान लेकर बैठे हुए हैं, ऐसे बाईसी निकाल लेते हैं या डायरेक्ट सोल्यूशन पे खेलते रहते हैं, तो वो आपको क्या पढ़ाएंगे, आपके पैसे लूट के नहीं आपके पैसे छीन के भाग रहे हैं वो, उसके बाद ऐसा मुझे लूट लिया सर मैं ऐसे चार जगह से घूम के आया हूँ। मुझे तो कोई इंस्टीट्यूट में कोई बच्चा कहता है कि मैं ऐसे इंस्टीट्यूट से घूम के आया हूँ तो मुझे तो हंसी भी नहीं आती, मैं तो सच बताऊँ मुझे ऐसा लगता है कि बेवकूफ़ी है। बट बहुत सारे लोग फिर अपने आप को धीरे धीरे अगले इंस्टीट्यूट में जाते हैं, फिर जो सही मिलता है उससे सीख लेते हैं, फिर उनको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, या बहुत सारे लोग पहली बार में लाइन छोड़ देते हैं और फिर ज़िंदगी में हर एक को गाली बकते हैं। वो जैसे एक होता है ना कि आपने सुना होगा कि प्यार में धोखा खाई औरत, एक ने धोखा दिया तो फिर सभी मर्द उसके लिए एक जैसे देखते हैं, नहीं सारे मर्द कमीने, ऐसी वाला फीलिंग आपको इस मोबाइल रिपेयरिंग में होता होगा कि यार नहीं यार सब बेबको बनाते हैं यार साले लूट रहे, ऐसा कुछ नहीं भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है। तीन दिन अरे वो बहुत बार एक दिन हमारी क्लास अटेंड करो, अब कोई डेमो वेमो नहीं देंगे, बता रखना कॉन्फिडेंस से आओ कि ये सिखा देंगे, ये ऐसा सिखा देंगे कि लाइव सीपीयू भी लगवाएंगे, पावर भी लगवाएंगे, डुअल डेकर भी करेंगे, ब्लैक पेस्टेड भी करेंगे, एमएमसी भी करेंगे, प्रोग्रामिंग भी करके जाएंगे, स्कीमेटिक लेवल एकदम एंड लेवल पे सीखेंगे, अपने मोबाइल लाया उसको भी बनाएंगे। जब आपके अंदर ऐसा जुनून आए ना, जब आपके अंदर आए कि बना देंगे या सिखा देंगे, अरे सिखा देंगे, इन लोग ने बहुत लोगों को सिखाया है और 5 नहीं 10,000 लोगों को लाइन है, इनके वीडियो है, हर क्लासेस के वीडियो हैं, डेली लाइव क्लास आते हैं, तो ये सारी चीज़ है। तो ऐसा टेलीकॉम आ जाना, सच बता रहा हूँ करवा दूंगा, टेंशन बिल्कुल मत लेना, जैसे घर पर तुम्हारे माँ बाप है वैसे ऐसे टेलीकॉम में मैं हूँ तुम्हारे साथ, तुम्हारा गार्डियन बन के बैठा हूँ और मेरी टीम बैठी है। सो दोस्तों बात करता हूँ कि मैं किसी भी, पहले बोल रहा हूँ कि भैया मैं किसी इंस्टीट्यूट वाले के ना फेवर में बोल रहा हूँ ना किसी इंस्टीट्यूट वाले के अगेंस्ट बोल रहा हूँ कि और, यह सिर्फ मैं अपना कह रहा हूँ कि भैया हमें मैसेज मत करो ऑनलाइन के, क्योंकि मेरे दोस्त अगर आपको आपके पैसे कचरे पेटी में डालना है तो जाके बाहर आपके घर के बाहर हो गई जाके डालाओ, अपना टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो। एक बात बताओ, ये एक हार्डवेयर कोर्स है, इट इज़ अ हार्डवेयर, ये आप देख रहे हो ना, ये क्या है माइक्रोस्कोप, इसको वीडियो में देख के सीखोगे हाँ, अगर वीडियो में देख रहे हो तो क्यों ऑनलाइन में पैसा खर्च कर रहे हो, तो यूट्यूब में देखो अच्छे से कीवर्ड्स डालो, हर कोई अपने व्यूअर बढ़ाने के लिए, हर कोई अपने कुछ करने के लिए अपने कोर्स को खोलता जा रहा है, कहीं ये लाइन समझा रहा है कहीं वो लाइन समझा रहा है। दोस्तों देखो आज मैं आपको सिखाता हूँ स्कीमेटिक कैसे पढ़े, हाँ दोस्तों देखिए आज मैं क्यों, तो देख लो ना, जब यूट्यूब में ही जब ऑनलाइन सीखना तो यूट्यूब में अच्छे कीवर्ड सर्च करो एक साल तक लगातार, और जब नहीं हो लगे कि यार एक साल बर्बाद कर लिया और इतने में बहुत लॉस हो गया तो फिर हमें ज्वाइन कर लेना है किसी अच्छे इंस्टीट्यूट को जिसको अभी आपको लगता है, पर हमारे पढ़ाए हुए स्टूडेंट के इंस्टीट्यूट ज्वाइन करोगे ये भी पहले सोच लेना कहाँ जा रहे हो, हमसे पूछ लेना। तो ऑनलाइन ऑफलाइन के बारे में मैं बताना चाहता हूँ इस वीडियो में खुल के और आपके साथ बातें शेयर करना चाहता हूँ। दोस्तों आपने गाड़ी चलाई है कभी, गाड़ी ड्राइव किया आपने कभी, आप यही गाड़ी चलाना जब सीखते हैं तो आप कॉल करते हैं कि हेलो भैया मुझे गाड़ी सीखना है गाड़ी, तो भैया आते हैं वैन हो या मारुति है कोई सभी गाड़ी हो, आप बाजू में बैठते हैं तो दोनों तरफ क्लच और ये सारी चीज़ें होती हैं, आप चलाते हैं तो जब तक आपके हाथ में स्टीयरिंग नहीं आएगा ना तो वो आप सीख, तब तक तो आप सीख ही नहीं पाएंगे। मैं पीछे बैठा रहूँ दोस्त के, दोस्त बता रहे देखो ऐसे सीखना है ऐसे, सोचो अभी से पीछे बैठा हो, बैठा हूँ फिजिकल पीछे पर आगे नहीं, तो भी आप गाड़ी कभी नहीं चला पाएंगे जब तक कि आपके हाथ में स्टीयरिंग ना आए। तो ये गाड़ी चलाना आप कैसे सोच सकते हैं, घर बैठ के चड्डी पर और बनियान पहने हुए लेटे हुए ऐसा मस्त, यहाँ पे ऐसा मस्त हाथ में सिगरेट लेते हुए और वीडियो चल रहे हैं, कैसे पॉसिबल कैसे है सोचो। आप वीडियो में किसी को आईसी निकालते हुए देख रहे हैं, अब देखिए दोस्तों मैंने अब जस्ट देखिए कितने हीट पे कर दी, 260 हीट पे किया, अब भी बस उतने में कर देना, अब यहाँ पे मैंने कितना किया 30 एयर कर दी, अब देखिए ऐसे उठाने वाला अब उठा दी, अरे वाह सर मैं भी करने वाला, मैं भी, अरे सर मेरी तो हिल जाती है,
तो जब तक सर तेरे बगल में नहीं खड़े होंगे, जब तक तेरा सर तेरे हाथ नहीं पकड़े होंगे, जब तक सर को नहीं पता होगा कि तू एक्चुअली हिला क्या रहा है, कर क्या रहा है, तो तू कैसे सीख लेगा मोबाइल रिपेयरिंग? कैसे सोच कैसे सकते हो तुम लोग ऑनलाइन सीखने के बारे में? मेरे को पता नहीं चलता दोस्तों। अगर सच बताऊं ना, एजर टेलीकॉम अगर ऑनलाइन पे आ जाए ना हिंदुस्तान में, ऐसा सिखाए ऑनलाइन का डंका बजा दे अपना जैसे हार्डवेयर में ऑफलाइन बजाया, बट अगर ऐसा होता ना तो हम कोरोना 2020 से आ जाते ऑफलाइन ऑनलाइन। बट हमने पूरे कोरोना में हमने घर बैठना ज़्यादा हमने सही समझा अपने स्टूडेंट को बैकअप देने के बैकअप देते हुए, बट हमने ये नहीं सोचा कि उधर भी पैसा कमाया जाए। अरे क्या करना है, एक वीडियो तो बनाना है, डाल दो थोड़ा सा, बोल दो वीडियो में और वही पैसे ले लो। क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि आपने भी बहुत सारे लोगों में ये देखा होगा, वो लोग खुद ही अपने है ना स्टेटमेंट चेंज करते, पहले बोलते हैं आप लोग क्यों आना चाहते हैं हमारे पास, आप लोग अपने घर बैठ के सीखिए, देखिए मस्त चड्डी बनियान पहन लीजिए और अब देखिए क्यों आई थिंक आई डोंट नो ऐसा क्यों कर रहे हो मेरे भाई, ऐसा मत करो। और यही लोग फिर बाद में कहते हैं, तो जो भी हमारे स्टूडेंट ऑनलाइन में जिनको कमियां आ रही हैं, जिनको सीख नहीं पा रहे, वो आप हमारे यहाँ ऑफलाइन आ जाइए, अभी आपने इतनी फीस भरी थी इतनी, अब आप इतनी फीस भर दीजिए, अब दोनों फीस मिलाकर उनकी हो गई इतनी फीस। तो जब सीखना ही था तो ऑफलाइन ही चले जाओ ना, उधर ही चले जाओ। मैं बोलता हूँ जिधर भी जाना है उधर जाओ, बोलो नहीं सर हेलो मुझे मोबाइल रिपेयरिंग सीखने पर सर ऑफलाइन। दोस्तों ये चीज़ एक दुकान वाला नहीं बता रहा, ये टेक्नीशियन नहीं बता रहा, ये टेक्नीशियन प्लस टीचर आपको बता रहा है, जो कि मैंने हज़ारों दुकान वाले अपने सामने देखे हैं, हज़ारों टीचर अपने सामने देखे हैं, बहुत सारे टीचर बनाए हैं, तो ये सारी चीज़ें मैं जानता हूँ। इसलिए ये जो अनुभव मैं आपको दे रहा हूँ, ये कोई व्यू पाने के लिए या दोस्तों मैं गरीब बन के या दोस्तों मुझे सब्सक्राइब करो ऐसा आपका बेचारा भाई बन के नहीं दे रहा। एक अनुभवी आदमी, एक अनुभवी प्रोफेशनल, एक अनुभवी इस प्रोफेशनल फील्ड में एक्सपीरियंस होने के बाद आपको दे रहा हूँ एक सही राय। आप एसर टेलीकॉम भले ही मत आओ यार, कोई बात नहीं, आप हमारे वीडियो देखते रहना, बहुत सारे वो आने वाले बहुत सारे, बट आप हमारे हमारी जगह मत आओ, आप अपने बगल अपने घर के पीछे चले जाओ, आप दिल्ली में चले जाओ, आप जहाँ जाना वहाँ चले जाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी बात है। ऐसा तो है नहीं कि हिंदुस्तान में से भी कमी है, अब भगवान भी इतने सारे हैं तो हम भी कैसे एक हो सकते हैं यार, बहुत सारे लोग हैं, आप जाइए उनके पास, बिल्कुल जा सकते हैं, बट ऑनलाइन मत सीखिए, ना ही ऑनलाइन के लिए किसी को मैसेज करो। आप ये हार्डवेयर है दोस्तों, हार्डवेयर रिफर टू हार्ड वर्क। जब तक आप खुद से नहीं करोगे, किसी टीचर के बगल में खड़े होकर नहीं करोगे, तब तक नहीं हो रहा। और ऐसे इंस्टीट्यूट में जहाँ आपके टीचर आप कर रहे हो, मान लो आप चले गए, आप कर रहे हो, टीचर बगल में खड़े नहीं है, वो बाहर सिगरेट पी रहा है, या वो एक घंटे चला गया अपने चाची मामी को देखने, या वो किसी तीसरे काम में लगा हुआ है, वो अपने खुद के फ़ोन बना रहा है, तो काय का टीचर, ऐसे इंस्टीट्यूट से भी बचना। तो पहली बात तो अगर आप कहीं से ठगे हुए ऐसा कुछ हुआ है, तो भाई मेरे पहली चीज़ तो डायरेक्टली उस इंस्टीट्यूट को ब्लेम मत करो, आप उन इंस्टीट्यूट से बात करो, उनको वापस बोलो सर मुझे बैकअप में आने दो, मुझे जो भी फॉल्ट है, देखिए कई बार होते हैं डाउट, हमें एक डाउट होता है, हमें लगता है अरे हम तो ठग गए, हमें तो ये डाउट के लिए नहीं यार, अब ये रिपेयरिंग एक दिन में या एक महीने में नहीं सीखी जा सकती, इसको सीखने के लिए काफ़ी साल दर साल लगते हैं, बहुत सारे नए नए फॉल्ट आते हैं, नए नए टेक्निक्स, नए नए मोबाइल्स, नए नए डायग्राम्स, आपको ये चीज़ आपको प्रैक्टिकली सीखनी है, आपको डायग्राम्स में सीखने हैं, आपको प्रोग्रामिंग सीखनी है, आपको सॉफ्टवेयर सीखना है, बहुत सारी चीज़ें, पैड टू पैड लाइन सीखना है, ऐसी पूरी बैंड भी हो गया तो कैसे बनाए, कोई पैड स्क्रैच हो गया कैसे बनाए, पैड निकल गया कैसे बनाए, किसी आईसी की कंपेटेबिलिटी नहीं मिलती है, किसी फ़ोन का डायग्राम नहीं मिलता है, तो सारी चीज़ें बनाना हमें सीखना पड़ेगा। तो ये किससे सीखे, टीचर से या टेक्नीशियन से? तो टेक्नीशियन तो आपके सामने एक जादूगर जैसे या एक मदारी जैसे, दो मिनट में आपके सामने आईसी निकाले, खट 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 खट, ये लो चालू हो गया, लो लाओ 500, तो वो टेक्नीशियन है। दोस्तों वो टीचर जो आपसे करवाए वो टीचर है प्लस टेक्नीशियन है। तो ये आपका चुनाव है कि आपको क्या करना है, बट आप प्लीज़, ये देखो ये वीडियो थोड़ा सा फनी हो गया, सो फनी भी होना चाहिए लाइफ में ना, हमेशा सीरियस रह के क्या मतलब। और आप जब मुझसे मिलोगे तो मुझे जानोगे तो आप देखोगे कि यार मैं तो अपनी लाइफ में बहुत हंसता रहता हूँ, बहुत इन्जॉय फील करता हूँ डे बाई डे हर दिन, और बहुत कुछ सीखता हूँ, क्योंकि मेरे साथ जितने भी लोग हैं सब सीखने वाले हैं हार्ड वर्किंग। दोस्तों हमें ऑनलाइन के लिए मैसेज मत करो, ये शुरू की लाइन है, वीडियो में भी आ रही होगी, हमें ऑनलाइन के लिए मैसेज मत करो, हम ऑनलाइन नहीं पढ़ाते, हम
ठगने का काम नहीं करते। सो हमें ऑनलाइन के लिए मैसेज मत करो, हम ऑफलाइन पढ़ाते हैं। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि मैसेज क्यों ना करो, तो इस वीडियो को पूरा फिर से शुरू से देखिए और एंटर देखिए। अगर आपने वीडियो नहीं देखा, इसलिए मैंने ये लाइन आखिरी में कही है। सो आप, क्योंकि बहुत सारे लोग हमें मैसेज करते हैं, सर ऑनलाइन पढ़ा देंगे, ऑनलाइन पढ़ा देंगे। यार ना हम ऑनलाइन पढ़ा सकते हैं, ना ही हम बैकअप दे सकते हैं, क्योंकि अगर हमें ये देते तो हमारे ईमान नहीं मानता ये बात। क्योंकि अगर हम आपको 10 दिन या हम आपको महीना दो महीना पढ़ा भी दे, चलो, तो उसके बाद हमें भी पता है कि आप उसके बाद आपको ना कंफ्यूजन इतना ज़्यादा होगा, और हम हर चीज़ तो ना पूछ सकते हैं, आप बहुत सारे डाउट होते हैं उसमें ऑनलाइन नहीं पूछ सकते। आप ऑनलाइन में से एक वीडियो को देख रहे हैं, वो उसमें लिख देते हैं रात के 8 बजे बात करो या संडे को बात करो, ये उनके कितने स्टूडेंट होते हैं, किस किस से बात करोगे, कितने जवाबों के सवाल, जितने कितने सवालों के जवाब देगा वो, आपके सामने रहोगे फेस टू फेस, कितने सारे स्टूडेंट रहेंगे लाइव, ये सोचो ना। आप बैठे हो, आपके साथ कितने सारे स्टूडेंट बैठे हैं, आप हो सकता है एक एक्सपीरियंस नॉन एक्सपीरियंस हो, पर सामने वाला हो सकता है एक 8 साल 10 साल का हो, उसने कुछ फॉल्ट ऐसे बनाए नहीं बनाए हो जो उसके पास आए हो, वो पूछते सर इस मोबाइल में क्या, सर ग्राफिक्स में अगर मेरा फ़ोन ऑन होने के बाद में लाइट चला जाए और फिर स्टैंड बाय मोड पर आने के बाद जब मैं उसको ऑन करूँ तो ऑन तो हो रहा है पर लाइट नहीं है तो क्या करें, तो ये सारे जो प्रॉब्लम है ये आपके दिमाग में नहीं आएंगे। सर अभी सैमसंग में फ्लाइट मोड पे जा रहा है बार बार ऑटो, तो क्या करें, तो ये सारे प्रॉब्लम आपके दिमाग में नहीं आएंगे। तो ये कब आएगा, जब आप एक किस में बैठे होंगे, एक सेक्शन में बैठे होंगे फिजिकल। क्योंकि दोस्तों मैंने जितने भी ऑनलाइन वीडियो देखे हैं, जो ऑनलाइन पढ़ाते हैं, एक मच्छी बाजार जैसा हो जाता है। सर इसका माइक बंद करो ना, अरे सर ये बहुत बोल रहा है, सर इसका माइक बंद कर दो, सर सबका माइक बंद कर दो, दोस्तों थोड़ा माइक बंद करें। तो ऑनलाइन चला रहे हो, सब्जी मंडी चला रहे हो, मुझे ये नहीं पता। खैर एजर टेलीकॉम ऑनलाइन ऑफलाइन में सिर्फ ऑफलाइन पढ़ाता है, ऑनलाइन कभी रिफंड नहीं करता, ना ही करेगा कभी लाइफ में फ्यूचर में। और मुझे पता है सबसे आसान काम है एक वीडियो बना दो, उसको अपलोड कर दो और उसको बेचते रहो, और उसके बाद एक बैकअप के लिए एक बंदा बिठा दो। तो एक बिजनेसमैन मुझे नहीं बनना, मैं एक टेक्नीशियन प्लस एक टीचर हूँ, और मुझे यही बने रहने दो। और मैं ये कह रहा हूँ कि अगर इसे टेलीकॉम ज्वाइन करना है तो भरोसे के साथ ज्वाइन करना, टेंशन मत लेना, आपकी ज़िंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे हाथ में। अगर बहुत सारे स्टूडेंट जो मेरे वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आप में से कोई आपको ऐसा लगता है कि जिसको कोई डाउट है वो है, तो बैकअप क्लास में आओ। आपने देखा होगा हमारे हर ग्रुप में हर महीने कम से कम 5 बार हम बैकअप के लिए डालते हैं, बैकअप में आइए। और बैकअप भी बता देते हैं, 2 महीने में 2 तारीख होती है हमारी बैकअप में, और ये फिक्स होती है, और इस तारीख को जानना है तो ग्रुप में जाके पता करें। आप उसमें MD सर को कॉल लगाइए, अपने बैकअप में आइए और अपने सारे सोल्यूशंस फिजिकल, जैसे आप फिजिकल सीखने आते हैं वैसे ही फिजिकल लेके जाइए, जिसमें आपको कोई पैसे नहीं देने, फ्री ऑफ चार्ज, क्योंकि हमने कहा था लाइफ टाइम वारंटी। ये हमारे बहुत पुराने स्टूडेंट के लिए भी और नए स्टूडेंट के लिए भी है, बट आपका लाइन में बने रहना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और अगर आपको लाइन में अच्छे काम करना है तो इसे टेलीकॉम ज्वाइन करो। और दोस्तों इस वीडियो को कमेंट करके बताना कि कैसा लगा, फनी लगा कि नॉलेजेबल लगा या आप सही गाइडेंस मिली कहीं। अब मुझे ये भी बताइएगा, बहुत सारे लोग हो सकता है कि नेगेटिव कमेंट भी करें, क्योंकि ऑनलाइन वालों की तो मतलब जो, बट मैं ये कह रहा हूँ क्योंकि ऑनलाइन वालों को हो सकता है बुरा लग सकता है, बट दोस्तों मैंने पहले ही बोला था मैं किसी भी के अगेंस्ट नहीं बोल रहा हूँ, ये सिर्फ एक मेरा तर्क है, ये हमारे इंस्टीट्यूट का प्रोटोकॉल है जो हम बता रहे हैं। क्योंकि हमारे को यहाँ बहुत मैसेज आते हैं, हम परेशान हो गए हम ऑनलाइन क्यों नहीं, क्योंकि इस तरह पे मुझे वीडियो बनाना पड़ा कि भैया हम क्यों नहीं पढ़ा सकते ऑनलाइन में क्या बग्स हैं, तो इसका रीज़न ये है। बाकी दूसरे इंस्टीट्यूट ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, तो अब मैं तो चाहता हूँ आप जाओ एक बार ऑनलाइन पढ़ो, अगर आपको लगता है कि अच्छा है तो ठीक है, अच्छा है तो ठीक है, अगर आप ठग गए पैसा बर्बाद हो गया तो मेरे पास मत आना ये बोलने के लिए कि सर मेरा पैसा बर्बाद हो गया ऑनलाइन में, अब आप पढ़ा दो। क्योंकि इतने पैसों का जब मेरे पास आओगे ना तो उतने का टूल ही खरीद लोगे तो इतना मज़ा आ जाएगा, तो मैं क्या बोलूँ क्या। ठीक है, थैंक यू वेरी मच ये वीडियो देखने के लिए, जय हिंद जय भारत।
उड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख, कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख। अभी आगाज है तेरा, बहुत कुछ सीखना है, कमर कसनी अभी बाकी है, मुट्ठी भींचना है। अभी आगाज है तेरा, बहुत कुछ सीखना है, कमर कसनी अभी बाकी है, मुट्ठी भींचना है। भले हालात हो कैसे भी, बस ये सोच ले तू, यही है जिद यही है रार, बस अब जीतना है। लिखूंगा खुद नई तकदीर अपने हाथ से मैं, रगों में खून के संग इस जुनू को घोल के रख, कसौटी वक्त की है, हौसलों को खोल के रख। जो उड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख, कसौटी वक्त की है, हौसलों को खोल के रख। जो उड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख। मिस्टर, अभी तक कोई YouTube में नहीं बताया हो। क्या नाम है आपका? संतोष। अभी आप क्या करने वाले हैं? तो सीखो निकल रहा हूँ। कौन सा फोन है ये? MI Y1 है जी। तो अभी आप इसका CPU निकालने वाले हैं?